Subscribe my YouTube channel and press the bell icon and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफिक और इस वीडियो में मैं पोको F1 फोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और आज ही ये डिलीवर हो गया, तो मैं अभी ये अनबॉक्स करने वाला हूं। बहुत जल्द फ्लिपकार्ट डिलीवर कर दिया है मेरे घर पे, बहुत जल्द, बहुत फास्ट, विद इन 48 आवर्स ये मेरे घर पे डिलीवर हो गया फ्लिपकार्ट के तरफ से। यहीं पर जो पोको का बॉक्स है वो मैं खोल लिया हूँ और जो रैपर यहीं पर लगाया है फ्लिपकार्ट ने, इसे काट लेता हूँ। तो यहीं पे आ गया पोको का बॉक्स, पोको बाई शाओमी लिखा हुआ है। मैं यहीं पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। पोको का बॉक्स, पोको F1 लिखा है। ये जो प्लास्टिक लगा है इसे निकाल लेता हूँ पहले। बहुत ही अच्छा दिखने वाला बॉक्स यहीं पे आपको मिलती है, ब्लैक और येलो कम्बिनेशन पे आपको यहीं पे मिलती है। जो डिटेल्स यहीं पे दिया गया वो मैं बताता हूँ। पोको F1 ग्राफाइट ब्लैक 6GB और 128GB वर्शन, ये मैं आपको यही वाला मैं ऑर्डर किया था। मोबाइल फ़ोन है, प्रोडक्ट नेम, और ये पूरा का पूरा मेड इन इंडिया है। तो थोड़ा सा यहीं पे स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। पोको F1 पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 मिल रही है, जो अप टू 2.8 GHz पे काम करती है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम यहीं पे आपको दिया गया है फ़ोन के अंदर। AI डुअल कैमरा यहीं पे आपको मिलती है, 20 MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, एंड IR फेस अनलॉक भी आपको मिलती है। 4000 mAh का बैटरी दिया गया है, क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 भी दिया गया है। इस फोन में जो आपको सिम ट्रे मिलती है वो हाइब्रिड सिम ट्रे है, डुअल वोल्टी वाला फीचर्स है। 6.18 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD 18.7:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले यहीं पे आपको मिलती है, जैसे मैंने पहले बताया। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर आपको मिलती है, जो कि 10 nm ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। वाईफाई मीमो टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, USB टाइप सी रिवर्सेबल कनेक्टर आपको मिलती है, एंड द फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन पे आपको मिलती है। पोको F1 ग्राफाइट ब्लैक 6GB 128GB वाला ये मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट के ऊपर, और ये बहुत जल्द फ्लिपकार्ट डिलीवर कर दिया है। प्राइस जो है आपको बता दूँ, 23,999 रुपीज़। तो ये बॉक्स बिल्कुल ब्लैक और येलो कम्बिनेशन में आ रहा है, बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग यहीं पे आपको मिलती है। तो बॉक्स के अंदर यहीं पे सबसे पहले फोन का कवर दिया गया है, जो कि एक सिलिकॉन कवर है, उतना खास नहीं है, लेकिन फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए सही। यहीं पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, पोको F1 का यूज़र गाइड यहीं पे आपको मिलती है, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे तो नहीं पढ़ने वाला हूँ। कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स दिया है, कुछ यहीं पे लिखा हुआ है, इसे रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या और दिया है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहीं पे आपको मिलती है पोको F1 मोबाइल फ़ोन ग्राफाइट ब्लैक का, बहुत ही सुंदर दिखता है, और यहीं पे आपको मिलती है चार्जर, डेटा केबल। तो यहीं पे चार्जर के ऊपर का जो प्लास्टिक है वो निकाल लेता हूँ। बहुत ही शाइनिंग चार्जर है, देख सकते हैं यहीं पे जो बिल्कुल ही चमक रहा है ये चार्जर। तो यहीं पे थोड़ा चार्जर का स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूँ। तो यहीं पे जो चार्जर का आउटपुट आपको मिलती है, चार्जर में आपको 5V 3A का आउटपुट मिलती है, 9V 2A का आउटपुट मिलती है, और 12V 1.5A का आउटपुट मिलती है। यानी कि ये चार्जर फास्ट चार्जिंग है, मतलब आपको पहले ही बॉक्स में लिखा हुआ था क्विक चार्ज 3.0 आपको मिलने वाला है। तो इस हिसाब से ये चार्जर को बनाया गया है, और ये चार्जर मेड इन इंडिया है। अच्छा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो पोको F1 मोबाइल फ़ोन है ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इसका चार्जर, डेटा केबल्स, हर एक चीज़ इंडिया में बना है। उसके बाद यहीं पे जो डेटा केबल दिया गया है वो USB टाइप सी डेटा केबल मिलती है, रिवर्सेबल कनेक्टर आपको मिलती है। जो माइक्रो USB है उसमें आपको दिक्कत आती है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके बाद बॉक्स के अंदर आपको मिलती है एक सिम इजेक्शन टूल, इसको रखते हैं साइड में, बॉक्स और सारा कुछ रखते हैं साइड में, और यहीं पर आपको पोको F1 थोड़ा सा आपको डेमोस्ट्रेशन कर देता हूँ। पोको F1 का यहीं पे जैसे आप देख पा रहे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 पहले ही बताया, इसमें आपको मिल रही है, अप टू 2.8 GHz पे काम करती है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको यहीं पे मिल रही है, AI डुअल कैमरा आपको मिल रही है, 4000 mAh का हाई कैपेसिटी बैटरी आपको पोको F1 के अंदर मिल रही है। यही सारा कुछ फोन के ऊपर स्टिकर में दिया गया है।
ऊपर आपको मिलती है आईआर सेंसर, यहीं पे आईआर सेंसर दिया गया है। उसके बाद आपको मिलती है ईयरपीस एंड द 20 मेगापिक्सल फोन कैमरा, और जो फेस अनलॉक दिया गया है वो इस आईआर सेंसर से काम करने वाला है। ऊपर आपको 3.5 एमएम हेडफोन जैक मिलती है, सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलती है, लेफ्ट साइड में आपको मिलती है सिम ट्रे। आपको यहीं पे मैं सिम ट्रे दिखा देता हूँ क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है सिम ट्रे का। थोड़ा सा टाइट है, अगर आप ये फोन खरीदेंगे तो ध्यान से इसको निकालेंगे नहीं तो टूट जाएगा। यहीं पे आपको मिलेगी माइक्रो सिम स्लॉट, आप यहीं पे लगा सकते हैं दो सिम या फिर एक सिम एक माइक्रो एसडी कार्ड। उसके बाद यहीं पे और कुछ नहीं है। नीचे की तरफ आपको मिलती है एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर आउटपुट और एक चार्जिंग कनेक्टर। राइट साइड में आपको मिलती है वॉल्यूम रॉकर एंड द पावर बटन, बोथ आर मेड ऑफ प्लास्टिक। उतना ज़्यादा फीडबैक यहीं पे आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक ठाक है। पीछे की तरफ यहीं पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा मिलती है, 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का फिंगरप्रिंट सेंसर यहीं पे आपको मिलती है। ड्यूअल एलईडी फ्लैश भी दिया गया है, यहीं पे कुछ स्टिकर दिया गया है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं और आपको दिखाते हैं ग्राफाइट ब्लैक कैसे दिखता है। फोन का जो कलर है वो बिल्कुल ही अप टू द मार्क है। प्लास्टिक बॉडी आपको यहीं पे मिलती है, मेटल बॉडी आपको नहीं मिलती है। बॉडी बहुत ही अच्छा है, मतलब आपका ये जो फ़ोन का बॉडी बनाया गया है प्लास्टिक बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्लास्टिक यहीं पे यूज़ किया गया है। कोई भी आपका जो फिंगरप्रिंट इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है, मैट फिनिश टाइप यहीं पे आपको मिलती है। डिस्प्ले के ऊपर जो भी स्टिकर लगाया गया था उसे उठा देते और फ़ोन को करते बूट, तो यहीं पे सबसे पहले आपको मिलती है पोको बाय शाओमी लिखा हुआ और नीचे की तरफ एंड्रॉयड पावर्ड बाय एंड्रॉयड। देखता हूँ कितना जल्द बूट होता है। सबसे पहले चूज करना है अपना लैंग्वेज, रखता हूँ इसे इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट और यहीं पे अपना कंट्री चूज करना है, करते हैं अपना कंट्री इंडिया, मेरा भारत महान। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट एंड अभी आपको कनेक्ट करना है वाईफाई नेटवर्क के साथ, लेकिन इसे स्किप करते हैं अभी। उसके बाद जो टर्म एंड कंडीशन है उसे करते हैं एक्सेप्ट। अभी फोन पे सिम डालना है लेकिन इसको भी कर देते हैं स्किप। और यहीं पे जो गूगल का सर्विस है इसको भी एग्री करना है, पासवर्ड देने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद जो एडिशनल सेटिंग्स है उसको भी करते हैं नेक्स्ट। यहीं पे उसके बाद आपको थीम चूज करने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन यहीं पे जो भी डिफॉल्ट थीम है उसे ही रखते हैं और करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहीं पे आपको लगभग एक मिनट तक वेट करना पड़ेगा। जो डिवाइस है उसका जो भी ऐप्स है वो लोड हो रहा है, जैसे यहीं पे लिखा हुआ है लोडिंग ऐप्स। तो अभी करते हैं लगभग एक मिनट तक वेट, देखता हूँ क्या होता। तो यहीं पे हो गया बूट और जो भी परमिशन मांगा जा रहा है उसे कर देते अलाउ एंड आ गया पोको फोन का डिस्प्ले। बूट होने के बाद यहीं पे देख लीजिए बहुत ही फास्ट है, रिस्पांस टाइम बहुत ही कम है। देखिए बस टच किया आ गया, ऊपर का जो नोटिफिकेशन ट्रे है वो भी बहुत जल्द काम कर रहा है, बस टच किया और नीचे आ गया। मेनू बस नीचे से ऊपर स्लाइड कीजिए, मेनू ओपन हो जाता है और यहीं पे जो स्लाइड ट्रांजिशन टाइम दिया गया वो बहुत ही कम किया गया है पोको लॉन्चर में, शायद इसीलिए बहुत फास्ट काम कर रहा है। मतलब एक अलग फील आने वाला है इस फोन पे। दूसरा जो भी फोन मार्केट में अवेलेबल है, मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा प्राइस का क्या होने वाला है, लेकिन इससे कम प्राइस का जो भी फोन अवेलेबल है उसमें तो आपको इतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अभी देखते हैं फ़ोन के अबाउट सेक्शन में जाके, यहीं पे आपको फ़ोन का नाम दिया है पोको फ़ोन, एंड्रॉयड वर्शन 8.1 आपको मिलती है, एंड्रॉयड ओरियो। उसके बाद आपको यहीं पे MIUI वर्शन 9.6 दिया गया है, ऑक्टाकोर CPU 2.8 GHz, रैम यहीं पे 6 GB का दिया गया है, इंटरनल स्टोरेज 128 GB में 117 GB फ्री दिया गया है, मतलब फ्री मिलती है आपको, आप उसको यूज़ कर पाएंगे ऐप्स इंस्टॉलेशन में और आप कोई भी चीज़ अपने फाइल में रख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज में। फुल स्क्रीन डिस्प्ले का यहीं पे ऑप्शन मिलती है, जहाँ पे आप नीचे में जो भी नेविगेशन बटन है उसे आप हाइड कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं कैमरा को टेस्ट, यहीं पे आपको AI कैमरा मिलती है, जो भी परमिशन है उसे अलाउ करने के बाद आ गया। यहीं पे मैं जियो फोन 2 का फोटो लेने वाला हूँ, देख लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा फोकस कर लेते हैं और यहीं पे यस आ गया फोटो, अलाउ करते हैं। देखिए डिटेलिंग बहुत अच्छा है, कलर बिल्कुल ही जो असल में कलर है वही आया है, कुछ फेक कलर यहीं पे नहीं आया है। AI को करते ऑन और लेते और एक यहीं पे फोटो जियो फोन 2 का, यस
कैमरा बहुत ही बढ़िया है, रियर कैमरा तो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों को टेस्ट करेंगे बाहर जाके, उसका भी नेक्स्ट वीडियो आगे आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe my YouTube channel and press the bell icon and never miss another update.